हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मेडिकल माय लाइफ इस वीडियो में हम सीखेंगे एक पेशेंट का जीसीएस स्कोर मतलब ग्लासगो कॉमर्स स्केल स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है व्हाट इज जीसीएस जीसीएस स्टैंड फॉर ग्लासगो कॉमर्स स्केल ये एक मेथड है दैट इज यूज टू असेस पेशेंट कॉन्शियसनेस लेवल कॉन्शियसनेस लेवल मतलब पेशेंट कितना अलर्ट है कितना रिस्पॉन्सिव है अपने सराउंडिंग स्टिम्युलाई के लिए और सराउंडिंग एनवायरमेंट के लिए सो लेट्स लर्न दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ नोट्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन जी सी एस इज डेवलप्ड बाई टीजेल एंड जेनेट इन 1974. सेवेंटी फोर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज यूज टू असैस अ पेशेंट्स कॉन्शियसनेस लेवल कौन से पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल जिनमें एक्यूट ब्रेन इंजरी हुई हो या फिर वो पेशेंट जो आईसीयू में है उनको मॉनिटर करने के लिए सो जी पेशेंट के कॉन्शियसनेस लेवल को रेट करता है अकॉर्डिंग टू थ्री कॉम्पोनेंट्स अब ये तीन कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं फर्स्ट इज आई ओपनिंग सेकेंड इज वर्बल रिस्पॉन्स एंड थर्ड इज मोटर रिस्पॉन्स तो अगर हमें चेक करना है कि पेशेंट कितना कॉन्शियसनेस है तो हमें उसके तीन कॉम्पोनेंट्स को देखना पड़ेगा आई ओपनिंग वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स तो जब हम आई ओपनिंग वाले कॉम्पोनेंट को देखेंगे अगर पेशेंट बेस्ट रिस्पॉन्स देता है तो हम उसको फोर पॉइंट्स देंगे और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो एक पॉइंट मिलेगा वर्बल रिस्पॉन्स के लिए अगर बेस्ट रिस्पॉन्स आता है तो फाइव पॉइंट्स मिलेंगे और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो एक पॉइंट मिलेगा सिमिलरली मोटर रिस्पॉन्स के लिए बेस्ट रिस्पॉन्स अगर आता है तो सिक्स पॉइंट और नो no रिस्पॉन्स पर वन पॉइंट आई ओपनिंग में बेस्ट है फोर वर्बल रिस्पॉन्स में बेस्ट रिस्पॉन्स पे फाइव पॉइंट और मोटर में बेस्ट रिस्पॉन्स पे सिक्स पॉइंट तो मैक्सिमम स्कोर जीसीएस में कितना हो सकता है फिफ्टीन और मिनिमम अगर तीनों कंपोनेंट में से एक भी बार कोई रिस्पांस नहीं आया तो मिनिमम स्कोर कितना होगा थ्री एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे जीसीएस पर मिला है प्रेप्लाडर के इमरजेंसी मेडिसिन के नोट्स में से जैसे मैंने आपको बताया है जो मैक्सिमम स्कोर है जीसीएस में वो फिफ्टीन है और मिनिमम स्कोर थ्री है तो अगर किसी पेशेंट का जी स्कोर नाइन से कम आता है मतलब थ्री टू एट की रेंज में आता है तो आपको क्या करना है पेशेंट के एयरवे को सिक्योर करना है इंट्यूबेट करके और पेशेंट के एयरवे को प्रोटेक्ट करना है एस्पिरेशन से जैसे हम नोट्स की बात कर रहे हैं सो द अदर डे आई वाज रीडिंग द नोट्स ऑफ प्रप्लाडर और मुझे उनके नोट्स में काफ़ी कुछ अच्छा लगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ तो अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल माइलोमा तो प्रेप्लाइडर ने क्या किया है टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको अलग से बॉक्स में इंक्लूड कर दिया है जो न्यूमोनिक है उनके लिए अलग बॉक्सेस बनाए हैं हाउ टू रिमेंबर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या किया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पर्टिकुलर टॉपिक्स है जैसे मल्टीपल माइलोमा में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है इन्होंने यहीं पे अटैच कर दिया है देखिए इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाला टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से और जैसे आपको पता है जो हमारा नीट का एग्ज़ाम है नीट पी का अब वो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो इन्होंने क्या किया है जैसे जो यूनिट के एंड में क्लिनिकल क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं तो इससे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नीट पी के एग्जाम में सो ऑल इन ऑल प्रेप्लाडर का कंटेंट काफ़ी कंसाइज है और अगर हम पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बुक्स का इतना सारा कंटेंट रिटेन करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो ऐसे में आपको चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लब मिल जाए पॉइंट्स हाईलाइटेड मिल जाए और क्वेश्चंस भी साथ में मिल जाएँ सो आई रिकमेंड प्रेपलाइडर और अगर आप प्रेपलाइडर को नोट्स के साथ करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा टाइम सेव करेगा सो यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन कमिंग बैक टू द टॉपिक हम फर्स्ट कॉम्पोनेंट दैट इज आई ओपनिंग का स्कोरिंग सिस्टम देखेंगे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई ओपनिंग के बेस्ट रिस्पॉन्स पर फोर पॉइंट्स दिए जाएंगे और रिस्पॉन्स अगर एबसेंट होगा तो वन पॉइंट मिलेगा तो आप पेशेंट को अप्रोच करते हैं और अगर पेशेंट ने ऑलरेडी अपनी आइज़ ओपन करी है तो इसका मतलब आप फोर पॉइंट्स देंगे स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है आई ओपनिंग का आप पेशेंट को अप्रोच करते हैं और आपके आवाज़ लगाने के बाद पेशेंट अपनी आइज़ ओपन करता है दैट मीन्स टू साउंड तो आप पेशेंट को थ्री पॉइंट्स देंगे आप पेशेंट को अप्रोच किए हैं ना पेशेंट ने अपनी आंखें खोली हैं आप आवाज़ भी लगा चुके हैं तब भी अपने पेशेंट ने आके नहीं खोली हैं तो आप क्या करेंगे एक ब्लंट ऑब्जेक्ट लेंगे और नेल बेड पर प्रेशर अप्लाई करेंगे फॉर टेन सेकेंड्स और उस प्रेशर की इंटेंसिटी आप इंक्रीज करते रहेंगे टेन सेकेंड्स के बाद अगर पेशेंट अपनी आइज़ ओपन कर लेता है विद इन टेन सेकेंड्स तो आप उसको टू स्कोर देंगे दैट मीन्स आई ओपनिंग टू प्रेशर और इसके बाद भी अगर पेशेंट अपनी आइज ओपन नहीं करता है दैट मीन्स नो रिस्पॉन्स और आप आई ओपनिंग वाले कॉम्पोनेंट को कितना स्कोर देंगे वन अब अगर पेशेंट की आई में स्वेलिंग है या फिर इंजरी है मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन है जिस केस में आप आई वाले कंपोनेंट को आई ओपनिंग वाले कंपोनेंट को टेस्ट नहीं कर सकते तो उस केस में आप आई ओपनिंग वाले कंपोनेंट पे क्या लिख देंगे नॉट टेस्टेबल दैट इज एन टी आफ्टर चेकिंग द फर्स्ट कॉम्पोनेंट दैट इज आई ओपनिंग अब हम पेशेंट के वर्बल रिस्पॉन्स को चेक करेंगे और रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम पेशेंट को स्कोर देंगे वर्बल रिस्पॉन्स में बेस्ट रिस्पॉन्स पर फाइव पॉइंट्स दिए जाते हैं और रिस्पॉन्स अगर एबसेंट हो तो वन पॉइंट मिलेगा तो वर्बल रिस्पॉन्स में आपको क्या करना है आपको टू थ्री क्वेश्चंस पूछने हैं पेशेंट से फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम वेयर आर यू एंड व्हाट मंथ इट इज़ अगर पेशेंट ने सारे करेक्ट आंसर दिए हैं इट मीन्स पेशेंट इज़ वेल ओरिएंटेड तो आप फाइव पॉइंट्स देंगे अगर पेशेंट कंफ्यूज है फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा वेयर आर यू और पेशेंट बोलता है इन मार्केट या फिर एट होम तो पेशेंट कंफ्यूज है तो आप कितने मार्क्स देंगे उसको फोर मार्क्स देंगे फोर पॉइंट्स देंगे अगर पेशेंट इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स बोलता है फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा है वॉट इज योअर नेम और उसने बोला है फुटबॉल मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड आंसर पेशेंट नहीं दे रहा है ठीक है तो इसका मतलब है इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स तो आप पेशेंट को थ्री पॉइंट्स देंगे आपने क्वेश्चन पूछे हैं पर पेशेंट बोल नहीं पा रहा है सिर्फ साउंड्स निकाल रहा है तो उसमें आप पेशेंट को टू पॉइंट्स देंगे और पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आप वन पॉइंट देंगे पेशेंट को इन केस अगर पेशेंट को हियरिंग प्रॉब्लम है या फिर पेशेंट इंट्यूबेटेड है तो इस केस में आप वर्बल रिस्पॉन्स चेक नहीं कर सकते तो आप वहां पर क्या लिख देंगे नॉट टेस्टेबल लास्ट कॉम्पोनेंट डेट यू हैव टू चेक इज मोटर रिस्पॉन्स मोटर रिस्पॉन्स में बेस्ट रिस्पॉन्स पर सिक्स पॉइंट्स दिए जाएंगे और रिस्पॉन्स अगर एबसेंट है तो वन पॉइंट देंगे सो टू चेक मोटर रिस्पॉन्स यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू परफॉर्म अ टू स्टेप एक्शन लाइक ओपनिंग द माउथ एंड टेकिंग द टंग आउट और ग्रेस्पिंग एंड रिलीजिंग योर फिंगर्स अगर पेशेंट कमांड्स को फॉलो करता है देन यू विल गिव सिक्स पॉइंट्स फॉर मोटर रिस्पॉन्स केस पेशेंट कमांड्स फॉलो नहीं करता है तो आपको ट्रेपेजियस मसल को स्क्वीज करना है फॉर टेन सेकेंड्स विद इनक्रीजिंग इंटेंसिटी और रिस्पॉन्स चेक करना है अगर पेशेंट अपने हैंड से पिंच को लोकेट करता है दैट मीन्स पेशेंट स्टूमुलेटेड एरिया को लोकेट कर पा रहा है देन यू विल गिव फाइव पॉइंट दैट मीन्स लोकलाइजेज टू पेन इफ ऑन ट्रेपेजियस स्क्वीज पेशेंट फर्स्ट बेंड हिज आर्म देन मूव इट अवे फ्रॉम द बॉडी इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फ्लेक्शन या फिर विड्रॉल रिस्पॉन्स इसमें हम पेशेंट को फोर पॉइंट्स देंगे पेशेंट को थ्री स्कोर तब देंगे अगर ट्रेपेजियस पिंच पर पेशेंट की एल्बो स्लोली बेंड होती है और आर्म बॉडी के एक्रॉस आ जाती है इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन और डी कॉर्टिकेट रिस्पॉन्स अगर एल्बो एक्सटेंड करती है स्क्वीज पर देन वी विल गिव टू पॉइंट्स इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन या फिर डी सेरिब्रेट रिस्पॉन्स अब आपको क्या करना है ट्रेपेजियस स्क्वीज़ के बाद भी अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आपको सुप्रो ऑर्बिटल नॉच को प्रेस करना है अगेन फॉर टेन सेकेंड्स विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी और अगेन रिस्पॉन्स चेक करना है सेम एज ट्रेपेजियस आपको फाइव फोर एंड थ्री टू पॉइंट्स देने हैं। सुप्रो ऑर्बिटल नॉच को कंप्रेस करने के बाद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तब आप क्या पॉइंट देंगे वन स्कोर देंगे मोटर रिस्पॉन्स का एंड इन केस ऑफ बोन इंजरी या फिर पैरालिसिस मोटर रिस्पॉन्स को आप चेक नहीं कर सकते दैट इज नॉट टेस्टेबल सो रिस्पॉन्स को देखने के बाद आपको तीनों कॉम्पोनेंट्स के स्कोर को अलग अलग लिखना होता है आई रिस्पॉन्स वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स तीनों के स्कोर आपको अलग अलग लिखने होते हैं अगर आप किसी कॉम्पोनेंट को टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें आप लिख देंगे टी अब स्कोरिंग देखते हैं अगर हमारा स्कोर 15 है दैट इज बेस्ट रिस्पॉन्स मैक्सिमम स्कोर पेशेंट इज़ अलर्ट एंड अवेक अगर स्कोर हमारा 8 या फिर 8 से कम है दैट मीन्स पेशेंट इज़ इन कोमा और अब हमें पेशेंट के एयरवे को सिक्योर करना है इंट्यूबेशन से और प्रोटेक्ट करना है एस्पिरेशन से अगर पेशेंट का स्कोर जी स्कोर थ्री आता है दैट मीन्स मिनिमम रिस्पॉन्स पेशेंट इज इन डीपकोमा अब आपको पता है पेशेंट को ब्रेन इंजरी प्रेजेंट है और आप क्या देखना चाहते हैं कि वो ब्रेन इंजरी माइल्ड है मॉडरेट है या सिर्फ सीवियर है तो जी सी एस स्कोर से कैसे पता लगा सकते हैं अगर ब्रेन इंजरी प्रेजेंट होने के बाद भी जी सी एस स्कोर थर्टीन टू फिफ्टीन की रेंज में आता है दैट इज ब्रेन इंजरी माइनर है अगर नाइन टू ट्वेल्व की रेंज में आता है मॉडरेट ब्रेन इंजरी है और थ्री टू एट की रेंज में आता है तो सीवियर ब्रेन इंजरी है दिस इज़ ऑल अबाउट जी सी एस स्कोर होपफुली गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मैं बेस्ट रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से इस वीडियो पर इस वीडियो के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड फॉर एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सो दैट्स ऑल थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में